हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए और अपने काम में बहुत व्यस्त होंगे। और आज है मकर संक्रांति। एक्चुअली मकर संक्रांति 2 दिन पड़ी है, किसी बहुत लोगों को पता होगा 14 को। वैसे तो अक्सर अब तो 2 दिन ही पड़ने लगी है। तो कल 14 तारीख थी, तो कल 7 बजे से शायद लग रही थी। मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जब भी समझ में आता कोई बता देता है हाँ उस दिन बनाना है, तो उसी दिन मैं 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने वाली हूँ। मतलब आज मैं मनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ। तो हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा, तो मैं आपके साथ आपके साथ पहली मकर संक्रांति जरूर मनाऊँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी मकर संक्रांति मनाई है, और नॉलेज होगा तो यहाँ पे हमारे कानपुर में और विशेष मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा पतंग का बहुत महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति में पतंग काटना उड़ाना पसंद है लोगों को, मतलब होगा कुछ, मुझे भी इतना भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत पुरानी प्रथा है पतंग उड़ाने की। खिचड़ी और लड्डू, दही बड़े, और जहाँ जहाँ का अपना अपना वो है, एरिया है, मतलब कंट्री है, वहाँ का थोड़ा सा अलग रूल होता है कुछ बिहार यहाँ से। तो लोग जैसे कि चूड़ा दही वगैरह भी खाते हैं, लेकिन बस यही है इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर यही है कि इसीलिए हम इंडियन कहलाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे से त्यौहार को बहुत ही खुशियों से, बहुत उत्सव से मनाया जाता है। चलिए मनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी, हाँ गुड मॉर्निंग टाइम है, 9:30 का टाइम हो रहा है, 9:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी करती हूँ और फिर आपके साथ तैयार होकर मिलती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। फैमिली ऐसा है कि हमारे बड़े बूढ़े, मतलब हमारे जो घर के हैं सब बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता, खासकर हमारे जो माता पिता हैं उनके लिए बहुत खास है। कभी भी मतलब हमने अपनी लाइफ में, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी, हाँ कुछ ऐसी गलती होती कि हम अपने माँ बाप से जवान लड़ा लेते या जवाब दे देते, तो यार सुधार लो, मैंने तो सुधार लिया है अपने आप को। मैं जब छोटी थी या टीनेजर थी तो मैं भी कुछ बोल देती थी उसका उल्टा जवाब देती थी, लेकिन ना मैं सोचती हूँ माँ बाप से कभी भी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। और दूसरी की आपसे जितना हो सके अपने माँ बाप के लिए, अब मंदिर जाते हो पूजा करने, अब एक बार मंदिर नहीं जाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनको भगवान समझिए, वो भगवान ही है, भगवान समझने की जरूरत नहीं, भगवान है। तो आपको उनकी ही पूजा करनी है, उनकी ही सेवा करनी है। और दूसरी चीज, हमने जो कर लिया है ना, जो जवाब लड़ा लिया है या जो बोल दिया, कहते ना अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, सब यही जन्म होता है, इसी जन्म में होना है और इसी जन्म में ही हो गए जो हमने गलतियां कर दी हैं, उसको तो भुगतान हमें करना ही है ना, आज नहीं तो कल हमें समझ में आएगा कि। लेकिन अगर हम समय रहते ही अपने आप को सुधार लेते हैं ना, अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार, जो हमने गलतियाँ की उसको सुधार के बहुत सारा प्यार देंगे ना, तो हो सकता है कुछ प्यार हमारी लाइफ में भी हमारे अपने बच्चे हमें देंगे। तो मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करो, माँ के लिए तो माँ को प्यार दो, पापा के लिए तो पापा को, दोनों है तो दोनों को प्यार दो, क्योंकि लाइफ में कभी भी माँ बाप बच्चे चाहे जितने हो जाए, माँ बाप सभी बच्चों को एक जैसा प्यार देते हैं। कभी अपने माँ बाप किसी बच्चे को ऊपर नीचे, बहुत से बच्चों को लगता है कि हाँ इनको ज़्यादा प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता, माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो आप लोग कोशिश करके अपने माँ बाप को बहुत प्यार करा करिए, क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है ना, घूम के हमारे ऊपर ही आएगा और जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे साथ होने वाला है। तो आपने जो गलती करी है उसको सुधारिए, माँ बाप की सेवा करिए, प्यार करिए। चलिए जल्दी निकल लेते हैं। तो फैमिली पीयूष को देखिए, पीयूष गुस्से में है। हाय बोलो, इधर देखो, हाय बोलो, अच्छा हाय बोल दो, अच्छा हाय बोल दो जल्दी से। देखिए पीयूष की चाय या बिस्किट चल रहा है, इन्हें हम लोगों के साथ चाय नहीं पीनी है, उन्होंने पहले मांग ली तो इनको पहले मिल गई है अपना फेवरेट बिस्किट। लेकिन आज देखिए मौसम बिल्कुल धूप का, मतलब आसार नज़र नहीं आ रहा कि धूप आएगी,
बहुत ठंडा हो गया है। कल बहुत अच्छी धूप थी, आज बिल्कुल वैसा हो गया, धीमे की आंखें चमक रही है। तो फैमिली आप नाराज मत होइएगा, आपको लग रहा हो क्या मम्मी पापा के लिए भाषण, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई क्या, मैं सच्चाई सच्चाई सभी को पता है। मुझे ये लगता है जो आजकल, मतलब सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ सॉरी, बहुत से लोग अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत से जो नहीं रखते हैं ये उनके लिए है। मैं खुद अपने लिए बोल रही हूँ कि मैंने भी किसी समय बहुत गलतियाँ करी हैं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों को सुधार लिया। तो गलतियाँ सुधारना ही अच्छी बात होती है। तो आप, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्या नाम है, हमारे माँ बाप से ही हम दुनिया में आए हैं, उन्होंने हमें परवरिश, हमारी परवरिश को लेकर पढ़ाई लिखाई और इतना बड़ा किया, पूरा मतलब दुनिया में लाने का मतलब हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। और जब हम यार जब हम और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी हमें नहीं पता चलेगा, हमें कहते नहीं कि मूल से ब्याज, तो हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं ना तो उसका डबल मिलेगा, और हमें तभी पता चलेगा जब हमारे बच्चे हमें वही चीज़ कहेंगे, वही चीज़ देंगे जो हमने अपने माँ बाप को दी है। अगर अच्छा दिया है तो अच्छा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर माँ बाप को बुरा दिया है तो बुरा मिलेगा, तो बहुत वो चीज़ याद आएगी, गिल्ट होगा। तो माँ बाप से कभी भी यार जवान मत पड़ो, क्योंकि माँ बाप अगर अपने एक उम्र पे अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, डबल बार बोल जाते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं, तो आप उसको अपनी गलती मान के चलो, हाँ ओके मुझसे गलती हुई है, मम्मी चलो हमसे गलती है, पापा हमसे गलती हुई है, आप मत करो। तो माँ बाप के सबसे बड़ा दुख का कारण तब बनता है जब बच्चे हमसे, कई लोग बच्चे जब बोल जाते अपने माँ बाप से कि आपने मेरे लिए किया क्या, तो माँ बाप की हिम्मत वहीं टूट जाती है जब बच्चे ये बोल देते हैं। तो उस माँ बाप से, इसलिए जब आप माँ बाप बने होंगे या बनेंगे लाइफ में, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आजकल हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा मुझे, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। मैं आज त्यौहार के दिन किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, तो बस माँ बाप के लिए कुछ, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके फैमिली, अभी मिलते हैं। तो फैमिली आप लोग क्या बोलते हैं, फटाक से मेरी बात का बुरा ना मान के, अगर आपने मम्मी पापा को दिल दुखाया है तो फटाक उनको सॉरी बोलो, उनके पैर पे नतमस्तक होकर उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, आपको माफ़ जरूर करेंगे, बच्चे जब इतनी गलती करें, माँ बाप हमेशा माफ़ करते हैं। और जब तक हम अपने माँ बाप को खुश नहीं रखेंगे, तो बाहर वाले हम किसी की मदद करते हैं या किस कोई बाहर किसी के माँ बाप है उनकी सेवा करते हैं, तो उससे कुछ पुण्य हासिल होने वाला। आप जिसको, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो जिसको आप माँ बाप मानते हैं उनकी सेवा करें, इसी में सब कुछ है, बाकी बाहर सेवा करने से कुछ नहीं। अगर आपने माँ बाप को दुखी कर रहे हैं तो बाहर के लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करिए, बहुत जितना हो सके उतना प्यार कर देना उसको, और सेवा प्यार उनको, बस उनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना थोड़ी मांगते हैं, बस एक रिस्पेक्ट मांगते हैं कि हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट करें बड़े होने पर, जो वो चाहते हैं है ना, तो हमें उनको देना बनता है। चलिए मिलते तैयार होकर। फैमिली मैं नहा धो के पूजा करके तैयार हो चुकी हूँ, अभी मैं चाय पीऊँगी, हम लोग चाय पियेंगे। और मैंने हैप्पी मकर संक्रांति तो मैंने बोला नहीं था, मैं बोल रही हूँ, आज मैंने साड़ी पहनी है, तो साड़ी का बस ऐसे ही पहन ली, अच्छा लगता त्यौहार में, कभी मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती, तो त्यौहार में पहन लेती। तो जल्दी जल्दी फटाफट लोग चाय पी लेते हैं। और आयुष और पीयूष के पापा तो है नहीं, वो ड्यूटी जा चुके हैं, वो शाम को ही मुलाकात होगी उनसे, तो हम लोग चाय पी लेते हैं फटाफट, फिर खिचड़ी खिचड़ी बनाते हैं। तो फैमिली हम लोग अब चाय पीने जा रहे हैं,
आ जाइए, आप लोग भी पीजिए, गर्मा गर्म चाय है और मक्खन और बंद है, और हमारे साथ जो है आयुष भी पिएगा चाय। कैमरा मैन हमारा, तो कैमरा मैन ने देखे चोटी बांध के रखी, देखा चोटी है ये देखिए, तो उसके बाल थोड़े बड़े हो गए, कटिंग करवाने जा नहीं पा रहे, पापा को उनका टाइम नहीं मिल रहा, तो उसने छोटी बांध ली। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। खिचड़ी विचड़ी भी बनानी है अभी हम लोगों को, पापा को भी चाय दे दी है, पापा अपने रूम में पी रहे हैं। हाँ पीयूष देखे झाँक रहा धीरे धीरे, चुपके चुपके पीयूष गुस्सा हो गए। चलिए अभी थोड़ी जल्दी में पन्नी दे दो। तो फैमिली मैंने खिचड़ी दान दे दी है, तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि खिचड़ी जो है पंडित को ही दान देनी चाहिए, मुझे लगता है जो ज़रूरतमंद है उसको दान देनी चाहिए। तो मेरे घर के बाहर आई थी तो उनसे मैंने पूछा आप साड़ी पहनोगे, तो साड़ी मेरे पास न्यू रखी, तो मैंने न्यू साड़ी दी है उनको कि वसंत में पहनिएगा, येलो कलर की, आपने देखा हमने दान दी। तो ज़रूरी नहीं आप खिचड़ी में दान दीजिए, आपको कभी भी लगे कि कोई ज़रूरतमंद है उसको दीजिए। उन्होंने बोला मुझे शॉल चाहिए, ठंड बहुत है बेटा, मेरे पास शॉल नहीं है, एक ही ये शॉल है, तो मैंने उनको एक शॉल दी। तो आप लोग भी पंडित के चक्कर में मत राख रही है, जो पंडित जो रोजमंद तो जरूर दीजिए मुझे लगता है, लेकिन हाँ जो गरीब है हमसे ज़्यादा, जो हम भी गरीब ही हैं लेकिन हमसे जो नीची श्रेणी में आते हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। तो ये दान अच्छा होता है, और ये नहीं खिचड़ी है तो तभी दीजिए, जब दान का मौका मिले तभी दान दीजिए। तो फैमिली मैंने ये टमाटर ढेर सारे काटे हैं, ये मैं चटनी बनाऊँगी खट्टी मिट्टी सी, बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने दान का वीडियोस बनाया तो आप लोग गलत मत सोचिएगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा संदेश के लिए कि दान जो है हम ज़रूरतमंद को ही दें तो ज़्यादा बेटर है कहीं भी। तो मैं अक्सर ही अपनी साड़ियाँ, मैं अपने आप को बहुत अमीर नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं भी बहुत बस भगवान की बंदी हूँ और मैं भी गरीब हूँ बस। मुझसे कभी भी होता है कोई आता है साड़ी वाड़ी ले, मतलब कोई ऐसा आ गया तो मैं अक्सर कर मैं साड़ियाँ दे देती हूँ, मैं वीडियो क्लिप नहीं बनाती हूँ। आज बस इत्तेफाक ऐसा हो गया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं आपके साथ स्पेशल फटाफट दही बड़े कैसे बना सकते हैं, दही बड़े का मैं ये बता रही हूँ। ये देखिए दही बड़ा मिक्सर मसाला आता है, ये पिसी हुई दाल, इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती है, आप अर्जेंट में दाल नहीं भिगो पाते या दाल कोई भी रीज़न हो जाता है तो आप फटाफट से ऐसे पिसा हुआ मसाला मंगाइए। बस इसको घोल के तैयार करना है और इसको बनाने का, इसमें आप देख सकते कैसे बनाना है, इसमें पूरी विधि लिखी हुई है। और ये पैकेट 40 रुपए का आता है, हमारी फैमिली में दो लोग एक पैकेट में मतलब दही बड़े हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो पीसने का, क्योंकि मिक्सी भी ख़राब थी और प्लस ठंड इतनी है, बच्चे ज़्यादा, हम आप जितना कम दाल भी वो ज़्यादा हो जाती है, तो घर में ज़्यादा सर्दी है ना तो घर में किसको बहुत दिक्कत होगी ना, तो इसलिए नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाएंगे शगुन के लिए। तो ये देखिए आपको चलो बना कर दिखा देते हैं कि इसको कैसे फेंटना है। बड़े के लिए दही पहले से बना के रख लिया है, इसमें नमक मिर्च और बाकी जीरा जो डालना होगा वो आप डाल दीजिए, बाकी इसको फेंट लेते हैं। चलिए और फेंट के इसके बड़े बना के बस इसमें डालने हैं, पानी में भिगो के डीप करके डालने होते हैं। यह ऐसा दिखता है, डबल पैकेट है इसके अंदर, और आपको मैं दिखा देती हूँ ये पूरा, आप अच्छे से देखिए, मार्केट में आप मिल जाएगा आपको, तो आप भी ऐसे ला के फटाक से बना सकते हैं, झंझट नहीं है कोई भी। आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में है, एकदम महीन आटा जैसा, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें से, ये उड़द की ही दाल है, इसमें हींग वगैरह मसाला सब मिक्स है, बस हमें इसको थोड़ा सा फेंट के और 10 मिनट के सोक करके रखना है। उसके बाद बस तेल में इसको फ्राई करके निकाल देना है, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये मैं चटनी की लिए मैंने प्याज छौंक दिए, मैं टमाटर डालूंगी इसमें। और खिचड़ी क्या बताऊँ, खिचड़ी तो आप खुद अगर अनुभव आपने किया होगा तो आज की खिचड़ी की तो बात ही कुछ होती है, आप चाहे मसाला डाल के बनाओ चाहे सादी बनाओ, खिचड़ी में ऑटोमेटिक स्वाद आता है ना फैमिली। मैंने ये चीज़ अजमाई है, आप जैसे ही बनाओ खिचड़ी वैसे आज सबके घर की खिचड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसको रख देते हैं थोड़ी देर, देखिए बहुत सारा हो गया, आप देख सकते हैं
बस उसका बैटर मतलब आप अपने हिसाब से बनाइए ही गाढ़ा कि कैसा, कि आपको कैसे बड़े चाहिए। जैसे आप बड़े डालते ना तो जैसे दाल पीसते हैं महीन या टाइट, वैसे उस हिसाब से आपको इसका बैटर बनाना है। देखिए ये आपको ऊपर गोल बनाने हैं कि कैसे बनाने हैं आपको बड़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो पानी इसमें मैंने अच्छे से ये फूल जाएगी, थोड़ी 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो फैमिली आप देख सकते हैं कि बैटर देखिए कितना ज़्यादा और कितना अच्छा फ्लफी गाढ़ा गाढ़ा एकदम बिल्कुल बहुत क्रीमी ऐसा है। तेल मैंने पहले से चढ़ा रखा था, तो बस आप अपने मन चाहे आकार में बड़े बना सकते हैं। मैं गोल बना रही हूँ, आपको जैसी इच्छा वैसे बनाइएगा, और मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत फटाफट बन जाते हैं। आप भी फटाफट बनाने का आपकी इच्छा हो, कभी भी दाल वाल ना हो या ना भिगोया हो, तो अर्जेंट में आप भी इस तरह बड़े बना सकते हैं। बस आजकल तो मार्केट में सब कुछ आता है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी चटनी हो चुकी है। देखिए इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं करी, तो बहुत सिंपल है। वो बस प्याज फ्राई किया था और टमाटर हरा मिर्चा डाला था और नमक लाल मिर्च और हल्का सा गुड़ डाला था, तो बहुत अच्छी चटनी लगती, खट्टी मीठी, खिचड़ी के साथ दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगे। हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। और बाकी मैं ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो शाम का नहीं दिखा पाऊँगी। शाम को मैं पनीर मटर की सब्ज़ी, सोया मेथी की सब्ज़ी और पूड़ी कचौड़ी और बासमती राइस में बनाऊँगी, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। तो फैमिली देखिए हमारे ये बॉल्स जो बड़े हैं तैयार हो गए। एक पैकेट में 20 से 25 निकलता है, अगर आप दो पैकेट लेंगे तो 50 से 40 आपके ये तैयार हो जाएंगे। बस इसको डायरेक्ट आप पानी में इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको निकाल के आप अपने दही तैयार रखिए। दही में आप बड़े इसको ये रखिए, तो फैमिली देखिए हमारे जो जो बड़े हैं ना कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत जल्दी 10 मिनट में ही ये सोख हो जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, है ना। तो आप भी फटाफट बनाइएगा इसको। ये दही बल्ले बनाने का आइडिया और ये बनाने की कैसी लगी आपको ये विधि, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दही बल्ले अच्छे लग रहे हैं ना और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो फैमिली आप देख सकते हैं जेठा लाल में पतंग उड़ रही हैं, और फैमिली ये पतंगों का त्यौहार है, बहुत महत्व माना जाता है। और मेरे यहाँ मतलब आयुष और पीयूष के पापा जो हैं बहुत शौकीन, बहुत ही मतलब फेवरेट गेम है पतंग उड़ाना, और दूसरी जो हॉबीज है उनकी पसंद फिशिंग करना। तो क्या कर सकते हैं, उनको छुट्टी नहीं क्योंकि जिम्मेदारी चलते वो छुट्टी नहीं मिलती उनको। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए, पतंग वतंग उड़ाइए, खिचड़ी विचड़ी गरम गरम खाइए, हम लोग भी फटाफट बन रही है। तो फैमिली पापा खिचड़ी खाने जा रहे हैं, तो खिचड़ी है, ऊपर से घी है देसी और टमाटर की चटनी है, और हमारा दही बड़ा है, पापड़ है, पापा खाने जा रहे हैं। पापा अच्छी लग रही है, ठीक तो धूप निकल आई है, बहुत अच्छा मौसम है। तो जो कानपुर से उनके यहाँ भी आ गई होगी धूप, ये सुबह मौसम बहुत ख़राब था, अभी बहुत अच्छा हो गया। तो फैमिली बच्चे भी खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी दही बड़े का मज़ा ले रहे हैं। बच्चे कैसे बनी है, बहुत अच्छी बनी है, हाँ तो बहुत टेस्टी बनती है आज की खिचड़ी। तो फैमिली आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, बच्चे कह रहे हैं। तो तो आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी मनी है, खाएंगे साथ में चिक्की है हम लोगों की मीठे में गुड़ की और मूंगफली की। तो आप लोगों की खिचड़ी कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताना, और हमें जो नया हमारे चैनल पर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। तो फैमिली बाय एंड नमस्ते, और बच्चे भी बाय बोल दो, तुम लोग भी बाय बोलो, बाय नमस्ते कर लो।
हाँ, अपने इंडियन का कल्चर जो है नमस्ते से शुरुआत होती, तो नमस्ते फैमिली, बाय, अपना ध्यान रखिएगा और खूब खूब खिचड़ी अच्छे से मनाइएगा त्यौहार। ओके फैमिली, बाय बाय।